गुड मॉर्निंग डीएक्सएन फैमिली, आप सभी दर्शकों का मैं जानी सारसगर एक बार फिर से इस जूम ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज ये जो जूम ऑनलाइन ट्रेनिंग है, इसमें हमारे साथ जुड़ेंगे अपने जर्नी को लेकर के, अपने सक्सेस जर्नी को लेकर के, डीएक्सएन में किस तरह से उन्होंने अपने आप को राइज किया, किस तरह से अपने आप को बनाया, डेवलप किया, और बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है उनकी। और उसके द्वारा हम लोग भी इंस्पायर होंगे और हम लोग भी मोटिवेट होंगे उनके स्टोरी को जान करके। तो ये जो सेशन है, ये सेशन स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोगों के कॉन्टेक्ट्स में जितने भी लोग हैं उनको ये जो जूम लिंक है इसको जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके और उन्हें भी समझ में आ सके कि हमें किस तरह से डीएक्सएन में काम करना है, एक इंस्पिरेशन उन लोगों को मिल सके। और जब तक आप लोग लिंक भेजे, तब तक मैं आप लोगों को कुछ सूचना देना चाहूंगा। उसमें सबसे पहला ये है कि आज 4 बजे इंटरनेशनल मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर के द्वारा ये जो थाईलैंड प्रोमो है, उस थाईलैंड प्रोमो पे कुछ चर्चा होने वाली है, कुछ न्यू अपडेट्स उसमें आने वाले हैं, तो उसको लेकर के कुछ बातें होंगी। तो आप लोग जरूर से जरूर 4 बजे जुड़ेंगे और साथ में जितना हो सके वो जो लिंक है वो लिंक शेयर किया जाएगा, तो उस लिंक को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर भी करेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी ये ठंड का मौसम है और साथ में आपको पता है कि डीएक्सएन के पास अभी बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारे ऐसे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं जो डे टू डे लाइफ में हमारे घर में यूज होता ही है, और हम लोग को चाहिए कि हम लोग एक ईमानदार कंज्यूमर बने, एक यूजर बने डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स को। जो भी ब्रांड है वो ब्रांड हम चेंज करके और अपना डीएक्सएन का ब्रांड अपने घर में स्थापित करें, और यही चीज हम अपने पड़ोस में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, हर जगह यही बात शेयर करें और उन लोगों का भी ब्रांड जो है वो चेंज करवाएं, डीएक्सएन का ब्रांड जो है उसको उनके घर में एंटर कराएं। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है हमारे पास, डीएक्सएन का हनी। डीएक्सएन का हनी एफएमसीजी में आता है और ये डे टू डे लाइफ की चीजें हैं, और आप जानते हैं हनी के बहुत सारे मल्टीपर्पस यूसेज हैं, उसके बहुत सारे यूसेज हैं। आप उसको अपने तरह तरह के डिशेज में डाल करके उसको गार्निश करने में यूज किया जाता है। उसका कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, हमारा जो तुलसी हनी है उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी है, तो ये जो है स्वाद के साथ साथ हेल्थ का भी ध्यान रखता है। तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस चीज को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ब्रांड को चेंज करके जो बाहर का हनी है उसको छोड़ करके हमारा हनी उसको यूज करें, क्योंकि हमारे हनी का भी एक यूएसपी है, वो ये कि ये क्वालिटी के मामले में जो आप मार्केट से लेंगे उससे बहुत ही अच्छा है, और क्वालिटी के मामले में ये 100% जो है वो अच्छा है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए इस चीज को आप लोग जरूर देखें और बहुत जल्दी इसको लेकर के, और डॉक्टर्स पैनल के द्वारा भी एक बार प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, उसमें भी आप लोग जरूर जुड़ेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि इसके क्या क्या यूएसपी है, क्या क्या यूनिकनेस है डीएक्सएन हनी का, क्यों इसको सबसे अच्छा हनी बोला जाता है। तो हम बहुत ज्यादा देर ना करते हुए यहाँ पर आमंत्रित करना चाहेंगे झारखंड के ही हमारे एक स्टार डायमंड हैं और एकदम से युवा हैं, मिस्टर सौर्या गुप्ता जी, जो कि एकदम से नए नए यहाँ पर इवॉल्व हो रहे हैं डीएक्सएन में। और अभी पिछले जो पिछले ये में चला था आपका मलेशिया कॉन्टेस्ट, उसको भी उन्होंने क्वालिफाई किया था। एक पारिवारिक व्यवसाय के रूप में वो देखते हैं, क्योंकि उनकी जो माँ है और उनके जो पिताजी हैं वो दोनों ऑलरेडी पहले से ही एक बहुत बड़े स्टेटस के साथ यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इनकम बना रहे हैं डीएक्सएन में, और साथ में उनके ये पुत्र जो है, ये पुत्र भी उन्हीं की राह पे चल पड़े हैं और एक पारिवारिक व्यवसाय के रूप में जो है इसको देखते हैं। और यहाँ से वो लोग सभी, वो पूरा परिवार एक तरह से डीएक्सएन में अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को बदल रहा है।
तो उनसे हम आज यहाँ पर सुनेंगे कि किस तरह से हमें काम करना चाहिए डीएक्सएन में, डीएक्सएन की क्या खासियत है और डीएक्सएन में किस तरह से उनका सफर रहा है, इन सभी बातों पे चर्चा होगी। तो हम बहुत ज्यादा देर ना करते हुए यहाँ पर आमंत्रित करना चाहेंगे श्री सौर्य गुप्ता जी को। सौर्य गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर या गुड मॉर्निंग सर। कर रहा हूँ। यस 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 इट इज कमिंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। जितने भी लोग आज जूम पे ज्वाइन है, लगभग हम लोग 200 लोग अभी ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं सौर गुप्ता आप सभी का आज के जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और वेलकम करता हूँ। तो जैसा कि जावेद साहब सर अभी मेरे बारे में इंट्रो कर रहे थे, बहुत ही अच्छा उन्होंने मेरे बारे में थोड़ा जानकारी दिया, और उसी जर्नी को जो उन्होंने बताया उसी को मैं विस्तार से आज आप लोगों के बीच में बताने के लिए आया हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने डीएक्सन से पहले मेरा क्या था और डीएक्सन के बाद आज की जिंदगी मेरी कैसी है। ये जर्नी को मैं बताऊंगा, ये 2 साल की जर्नी जो मेरी डीएक्सन की है। तो चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डीएक्सन, आप सभी का स्वागत है आज के जूम मीटिंग में। और ये जो कंपनी है, अगर कुछ नए लोग अगर आज ज्वाइन हुए होंगे तो मैं बता है, ये हमें हेल्थ और वेल्थ देने में मदद करता है। अगर आप लोग डिएक्शन को सही ढंग से अगर समझ लें तो यहाँ से आपको हेल्थ भी मिल सकता है और वेल्थ भी मिल सकता है। तो जैसा कि अभी मेरे बारे में आप लोगों को पता चला, तो मैं भी बताना चाहूंगा कि ये तो मैंने अभी समुन्द्र में तैरना सीखा है, अभी तो समुन्द्र की गहराइयों में डुबकी लगाना बाकी है। तो ये तो मेरी शुरुआत है, ये तो जर्नी मैंने शुरू किया है। अभी इस जर्नी में मैं बहुत कुछ हासिल करने वाला हूँ, क्योंकि अगर कहा जाए तो जिनके पास सपना होता है डीएक्शन वही करते हैं, और मेरा भी डीएक्शन करने का मेन कारण है मेरा ड्रीम। तो चलिए मैं आगे अपनी कहानी को बताऊंगा। उससे पहले मैं हमारे अपलाइन, हमारे ग्रेट फाउंडर डॉक्टर डॉक्टर लिम सियोजुंग को भी मैं नमन करता हूँ, और साथ ही इंडिया में लाने वाले डीएक्शन इंडिया आरबीसी को, हमारे केन सुपाल सर और डॉक्टर रत्ना मैम, इनको भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, क्योंकि इन्होंने ही डीएक्शन को इंडिया में लाए और इंडिया में लोगों को डीएक्शन से जागरूक करने का, रूबरू करने का मौका दिए। और साथ ही हमारे एस रंजन सर, उनको भी मैं नमन करता हूँ, क्योंकि आज इन लोगों की डिग्रियां देखकर सही में मुझे लगता है कि आज मैं जिस कंपनी के, जिस सिस्टम के साथ मैं काम कर रहा हूँ और चल रहा हूँ, ये सही में एक बहुत बड़ा ही सिस्टम है। मैं आगे आप लोगों को इसकी जानकारी दूंगा। और मैं अपने ग्रेट अपलाइन धर्मशीला मैम सुरेंद्र सर, इनको भी मैं कोटि कोटि नमन करूंगा, क्योंकि कहा जाए इन्हीं का देन है, घर में डिएक्शन मिला। कहीं ना कहीं अगर ये डिएक्शन हमारे परिवार परिवार में मेरी मम्मी को अगर नहीं बताए होते तो शायद आज डिएक्शन के बारे में हम लोग भी परिचित नहीं रहते और आज अपनी जिंदगी को बदल नहीं सकते। इनका बहुत बड़ा योगदान है और आज भी योगदान है। और मेरे सीनियर, मेरे अपलाइन, मेरे विजेता मैम संदीप सर, जो कि एक्जीक्यूटिव ट्रिपल डायमंड है, इनको भी मैं नमन करता हूँ। आज मैं जो कुछ भी आपके बीच में हूँ, आज आपके बीच में जानकारी दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं इन्हीं का देन, इन्हीं का योगदान है। मैं आगे आपको बताऊंगा। और ये जो संदीप सर, विजेता मैम, ये खुद मेरे मम्मी पापा हैं। और मेरी जर्नी, डिएक्शन की मेरी जो जर्नी है, उसमें बहुत बड़ा रोल मेरी मम्मी पापा का है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर मेरे मम्मी पापा डिएक्शन को नहीं समझे होते तो आज मेरी जिंदगी कैसी होती, या आज मेरे परिवार की जिंदगी कैसे होती। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा अपने पास्ट के बारे में, तो डिएक्शन मिला मेरी मम्मी को। मेरी मम्मी को बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम थे, आजकल देखते हैं लेडीज को बहुत सारी लेडीज को ज्यादा बीमारी होता है, ज्यादा हेल्थ इश्यू होता है, और कहीं ना कहीं मेरी मम्मी को भी हेल्थ इश्यू था, जिनके वजह से
मेरे नानी घर जो कि ढाई हुआ वहां पर इनको धर्मशिला में वो सुरेंद्र सर खुद इनको डिएक्शन से रूबरू करवाए और इनको डिएक्शन के बारे में जानकारी दिए। उन्होंने बताए कि ये डिएक्शन कैसे आपको हेल्थ को सुधारेगा, कैसे आपके जीवन को बदलेगा। और सही मायने में देखा जाए तो मेरी मम्मी को ये प्रॉब्लम था जिसको बोलते हैं सर्वाइकल प्रॉब्लम। आज आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग गर्दन में बेल्ट लगाते हैं, बहुत सारे लोग कमर में बेल्ट लगाते हैं, बहुत सारे लोग रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रहता है। सर्वाइकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आजकल लोगों के बीच में चल रहा है और यही प्रॉब्लम मेरी मम्मी का था। और ये बात है आज से लगभग 2011-12 की मैं बात बता रहा हूँ आप लोगों को, 12-13 की, जब मेरी मम्मी सर्वाइकल प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा परेशान थी। और सिर्फ मेरी मम्मी ही नहीं, हम लोग पूरे परिवार परेशान थे क्योंकि मेरा घर बहुत बड़ा है और मेरी मम्मी मेरे पापा सिंगल भाई हैं। मेरी मम्मी को पूरा घर का काम करना पड़ता था। मैंने देखा कि मेरी मम्मी उस बीमारी को लेकर भी कितना हम लोगों के बीच में हम लोग के प्रति ध्यान देती थी। हम लोग का स्कूल का टिफिन बनाना, घर का खाना बनाना, घर का काम करना, ये हमको याद है आज भी। मेरी मम्मी लगभग डेली 1 घंटा सुबह शाम इस बेल्ट को लगाकर बैठती थी। और ये बेल्ट लगाने के कारण क्या होता था, उनका गर्दन झुक नहीं होता था तो दर्द में आराम मिलता था। अब बहुत ज्यादा दर्द से कैसे परेशान थी, लगभग 5-6 साल से हम लोग इलाज करवा रहे थे, चाहे हमारा तिलैया जो हमारा मेन टाउन है या फिर रांची हो या पटना हो, कई जगह अपनी मम्मी को हम इस प्रॉब्लम से हम लोग दिखा चुके थे लेकिन कोई सुधार नहीं था। और मम्मी का बीमारी बढ़ता चला जा रहा था, जहां मम्मी एक बीमारी के लिए दवा खा रही थी उसका साइड इफेक्ट से मेरी मम्मी को थायराइड भी हो गया था, थायराइड का अंश आ गया था शरीर में, उनका शरीर फैलना शुरू हो गया था। थायराइड में होता है ये शरीर फैलने लगता है, मेरी मम्मी का भी शरीर फैलना शुरू हो गया, बहुत ज्यादा परेशान थी। लेकिन आप देखिए अलग अलग बीमारी के लिए हम लोगों को अलग अलग डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, अलग अलग डॉक्टर से राय लेना पड़ता है, मिलना पड़ता है। उसी तरह मेरी मम्मी भी अलग अलग बीमारी से अलग अलग डॉक्टर के यहाँ जाती थी और हम लोग भी जाते थे साथ में। आज पूरा घर परेशान थे उस वजह से। लेकिन मेरी मम्मी को मेरे नानी घर में धर्मशिला में सुरेंद्र सर उनको मैं फिर से नमन करूंगा, उन्होंने ही डिएक्शन की जानकारी दी, उन्होंने खुद डिएक्शन उनको परिचय करवाया, रूबरू करवाया। और आज मेरी मम्मी जब डिएक्शन प्रोडक्ट को कुछ टाइम यूज की तो धीरे धीरे रिजल्ट आना शुरू हुआ, उनका बेल्ट छूट गया, बेल्ट लगाना बंद हो गया, दर्द का दवाई खाना छूट गया। उनका जो प्रॉब्लम था थायराइड का, उनका थायराइड का प्रॉब्लम में भी उनका लगभग 10 से 15 किलो का वजन घटा शरीर में और थायराइड भी सही हुआ। और एक चीज मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, मेरी मम्मी को एक और प्रॉब्लम था, लेडीज लोग को बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम हो रहा है जिसको बच्चेदानी में सूजन हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है। होता है आप लोग भी अगर कोई महिलाएं अगर आज की मीटिंग सुन रही होगी तो आप लोग जानते होंगे कि बच्चेदानी का प्रॉब्लम महिलाओं को बहुत ज्यादा होता है। मेरी मम्मी को भी था, उनको एक डॉक्टर ने राय दिया था कि आप 1-2 महीना के अंदर ऑपरेशन करा लीजिए जितना जल्दी हो सके, और ऑपरेशन कराने में पैसा भी चाहिए 50-60 हजार। उस समय शायद थोड़ा कम लगता था लेकिन पैसे हमारे पास नहीं थे कि हम अपनी मम्मी का ऑपरेशन करवा सके बच्चेदानी का। लेकिन डिएक्शन मिला इनसे, उनका सिर्फ गर्दन का ही प्रॉब्लम नहीं, उनका थायराइड भी ठीक हुआ, साथ में बच्चेदानी का भी प्रॉब्लम सही हुआ। आज हम बता दें आज 10 साल से ज्यादा हो गई है मेरी मम्मी का डिएक्शन में, और इन 10 साल में कोई भी हम लोग कभी डॉक्टर का मुंह नहीं देखे, कभी डॉक्टर के पास नहीं गए। सोचिए ये रिजल्ट हमारे घर में आया। जब मेरी मम्मी को रिजल्ट आया तो मेरे घर में मेरी दादी को भी प्रॉब्लम था, मेरे दादी को भी घुटना में प्रॉब्लम था और लीवर कमजोर था, उनको बहुत ज्यादा उल्टी होता था, खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाती थी। जब मेरे घर में मेरी मम्मी को रिजल्ट आया तो मेरी दादी भी यूज करना शुरू की। धीरे 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 मेरी दादी को भी बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। आज आज बोला जाए आज पूरे परिवार आज 10 साल से डिएक्शन प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, और जो यूज कर रहे हैं वही जानकारी लोगों को देने का काम कर रहे हैं। आप लोग को बता दूं यहाँ तक ही नहीं, मेरे घर में मुझे भी बीमारी था, मुझे बचपन से आइसमोफिलिया का प्रॉब्लम था। कई लोग हो सकता है जानते होंगे आइसमोफिलिया क्या होता है, अगर कोई नहीं जानते तो उनको मैं बता दूं, आइसमोफिलिया के कारण मेरा शरीर हमेशा गर्म रहता था और मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक हो गया था जिसके कारण मुझे हमेशा डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता था। मैंने आइसमोफिलिया का इलाज के लिए लगभग 3 साल
एक डॉक्टर के आप समय दिया, एक डॉक्टर के पास अपना इलाज करवा रहा था, लेकिन नथिंग रिजल्ट था। होता क्या था कि एक बार अगर सर्दी हो जाए तो 15 दिन 20 दिन तक सर्दी रहता था, कितना भी दवा सुई हो जाए कोई ऑप्शन नहीं था। बुखार हो जाता है तो लंबे समय तक बुखार रहता था। हम लोग मेरे पापा जो भी इनकम करते थे सारा इनकम हमारे समझिए आधा से ज्यादा हमारे घर के डॉक्टर लोग में ही चल जाता था बीमारी के कारण। तो वो चीज को हम लोग अपने आंखों से देख चुके हैं। हम खुद भी मेरे चेस्ट में प्रॉब्लम था एक, आप लोग जानते होंगे बच्चा जब बहुत ज्यादा रोता है चिड़चिड़ापन रहता है तो उसका छाती का पानी सूख जाता है, आप लोग भी कहीं देखे होंगे। मेरा प्रॉब्लम था एक तो आइसोफिलिया था, जिसके कारण मेरा चेस्ट का प्रॉब्लम जो आया था इसका इलाज हम कोलकाता से करवाते थे। मेरी फैमिली रहती है कोलकाता में, हम यहाँ से लगे इलाज करवा रहे थे। होता क्या था कि चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन करता था, ज्यादा हमको डॉक्टर भारी सामान उठाने नहीं बोला था, बोलने नहीं बोला था, बहुत परहेज में रखा जाता था हमको। सोचिए एक बच्चा को 10-11 साल के बच्चे को जब एक बीमारी अपनी बीमारी हो सकती है तो सोच लीजिए घर की क्या स्थिति रहेगी। लेकिन शुक्र है कि हम लोगों को भगवान के द्वारा ये डीएक्सएल प्लेटफॉर्म मिला। जब मेरी मम्मी रिजल्ट आया, मेरी दादी को रिजल्ट आया, तो मुझे भी रिजल्ट आना शुरू हुआ। आज एक चीज समझिए, आप लोग जानते होंगे प्रोडक्ट को जब यूज किया जाता है तो इसका क्या होता है, ये क्या करता है, शरीर से टॉक्सिन को बाहर करता है। जब हम यूज करना शुरू किए तो पूरा सर्दी खांसी बुखार लगभग 2 महीने हम परेशान रहे, पूरा शरीर में पित्ती उछलता था, पूरा फेस में बाल सब जगह, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं वहीं पर पित्ती उछल गया, घर में है खेलते खेलते पित्ती उछल गया। उस वक्त क्या करते थे, जो आप लोग जानते हैं रिएक्शन पेस्ट, उस पेस्ट को हम लोग कटोरी में डाल के पानी मिला के पूरा बॉडी में हम लगाते थे, लगभग 1 घंटे आधा 1 घंटे के बीच में मेरा पित्ती खत्म हो जाता था, ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे 6 महीना होते होते बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आया। आज हम बता सकते हैं कि आज इन 10 सालों में मैंने कभी कोई डॉक्टर का दवा नहीं खाया, कभी डॉक्टर यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जो डॉक्टर कहे थे कि आपको भारी सामान नहीं उठाना है, डिएक्शन मिलने के बाद जब मैं अच्छा हुआ, मैंने कराटे वगैरह ज्वाइन किया, आपको मैं आगे बताऊंगा। आप देखिए कि एक बीमार लड़का आज किस तरह से अपना ट्रांसफॉर्मेशन करता है, अपना जिंदगी को बदलता है ये डीएक्सएल प्लेटफॉर्म के ही द्वारा। देखिए मेरे घर में ये देखिए, ये मेरा फैमिली बिजनेस था, ये मेरा यहाँ पर मेरा इसी तरह का दुकान हुआ करता था चावल का, आप लोग भी जाते होंगे चावल खरीदने। मेरे पापा का ये बिजनेस था, ये बिजनेस मेरे पापा लगभग 30 साल से कर रहे थे। 25 किलो का बोरा का चावल आता था और इसको दुकान दुकान सप्लाई करते थे। मेरे पापा एक अच्छा इनकम कमा रहे थे जिससे परिवार को अच्छे से चलाया जाए, लेकिन बीमारी आ जाने के कारण हमारा ज्यादातर पैसा डॉक्टर के यहाँ ही जा रहा था। और हमने देखा कि मेरे पापा किस तरह मेहनत किया करते थे, सुबह से उठकर रात तक सामान पहुंचाना है ग्राहक को, या पैसा तसलना है, या बहुत तरह का उनका फैमिली बिजनेस था। और साथ ही साथ जब इनकम इससे कम होती थी तो साथ में क्या है, इस तरह का हम लोग को, आप लोग जानते होंगे अगर कोई गांव बाजार से होंगे तो आप लोग देखते होंगे गांव में बाजार लगता है, बाजार में चावल बिकता है, ठीक इसी तरह हम मेरे परिवार में मेरे पापा जी इस तरह का चावल बेचने का काम करते थे। हम भी साथ में उनके साथ जाया करते थे, कभी कभी बाजार समय मिलता था तो ठीक यही तरह इसी तरह चावल हमने टेंट लगाकर बाजार में, और इस तरह का लगभग सप्ताह में 3 दिन इस तरह का बाजार हुआ करता था, जिसको हम लोग हटिया बोलते हैं। सोचिए हम लोग कितना ज्यादा गरीबी में जी रहे थे, कितना ज्यादा परेशान थे। हम लोग एक अच्छा नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई करते थे, सरकारी स्कूल नहीं था लेकिन एक अच्छा मीडियम क्लास का स्कूल था, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा नहीं था कि हम लोग अच्छे स्कूल में पढ़ सके, तो इस तरह का हम लोग का काम होता था। लेकिन सोचिए घर की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन धन्य हो जो हम लोग को डिएक्शन मिला, और डिएक्शन में आए जब मेरा प्रॉब्लम ठीक हुआ, उसके बाद मैंने हमारे एरिया में कराटे वगैरह सिखाया जाता था, हमको बहुत अच्छा लगता था कराटे खेलने में देखने में, तो मैंने कराटे भी ज्वाइन किया था। और ये लगभग मेरा 6 साल 5 साल पहले का पिक्चर होगा, ये सबसे पहला मेरा पिक्चर है जिसमें मुझे बेल्ट भी मिला था, आप लोग देख रहे हैं ये कोलकाता में भी थी, नेशनल गेम था, और ये सबसे पहला पिक्चर हम आप लोग को दिखा रहे हैं। कि सोचिए एक लड़का जिसको डॉक्टर बोल चुका था कि आपको डरना नहीं है, आपको भारी सामान नहीं उठाना है, आज वो
रिएक्शन का प्रोडक्ट खाकर इतना अच्छा हुआ कि आज आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, अपने आप को बदलाव कर रहा है। और मैंने ठीक लगभग 5-6 साल कराटे, मैंने नेशनल लेवल तक बहुत कई बार मैंने कराटे खेला, नेशनल लेवल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। थाई बॉक्सिंग में नेशनल लेवल मैंने कई बार खेला, चाहे वो पुणे हो, मुंबई हो, शिरडी हो या आगरा हो, मैंने एनसीसी भी किया था जब मैं कॉलेज में था, तो कॉलेज से ही मैंने एनसीसी भी ज्वाइन किया था। मैं एनसीसी भी कर रहा था, मैंने 3 साल एनसीसी में भी समय दिया। एनसीसी में भी मैंने अपना अच्छा प्रदर्शन किया, मैंने यहाँ से बी और सी सर्टिफिकेट भी लिया। आप सोचिए एनसीसी में मेरा एक अच्छा रैंक भी मिल चुका था। आप सोचिए एनसीसी का सर्टिफिकेट से भी मैं आर्मी में, नेवी में, बहुत चीजों में, बहुत सारे नौकरी में जा सकता था, वहां छूट भी मिलती है। लेकिन ये सब इतना कुछ अचीव होने के बाद भी मुझे नौकरी करने में काफी शौक नहीं था। मैंने ये सब अपने मुझे अच्छा लगता था करने में, मेरा सपना था, क्योंकि मैं कह रहा हूँ मुझे बचपन से ये जो चीज मुझे पसंद था मैं वही काम करता था। मेरा सपना था कि मैं ये सब में जाऊँ, ये सब कर रहा था। और मेरा पढ़ाई करते हुए बच्चों का क्या सपना होता है कि अच्छे से पढ़ाई करे और एक अच्छा नौकरी ले। घर परिवार वाले भी यही चाहते हैं, लेकिन मेरे परिवार वाले कभी मुझे नौकरी के लिए फोर्स नहीं किए और मुझे नौकरी में जाने का कोई शौक भी नहीं था। बस हाँ, मुझे लगता था कि अगर नौकरी करूंगा तो आर्मी या नेवी वगैरह का नौकरी करूंगा, मुझे ये चीज अच्छा लगता था। क्योंकि जब अपने पसंद का जब कोई चीज किया जाए तो उसमें आप जिंदगी भर भी वो चीज को कर सकते हैं। लेकिन मेरे घर में रिएक्शन हो रहा था, मेरी मम्मी 10 साल से थोड़ा थोड़ा रिएक्शन कर रही थी, ध्यान दे रही थी। मेरे पापा भी सपोर्ट करना शुरू किए थे 2-4 साल के बाद। आज जब मेरी मम्मी का एक अच्छा खासा इनकम आने लगा, तो पापा चावल का भी बिजनेस बंद कर दीजिए। सोचिए 30 साल चावल का बिजनेस करके उस बिजनेस को बंद कर देना, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है। और क्यों किए? क्योंकि हम लोगों को डिएक्शन का फ्यूचर नजर आ रहा था। और देखिए जब चावल बंद किए तो ठीक 1 साल के अंदर उन्होंने 1 लाख से प्लस का इनकम भी अचीव किया, वो मिलेनियर है। साथ ही साथ वो डिएक्शन में आज एग्जीक्यूटिव ट्रिपल डायमंड के पोस्ट पे भी है, ये कम बड़ी बात नहीं है। झारखंड में महिला में सबसे बड़ी पोस्ट मेरी मम्मी की है, डीएक्शन में सबसे बड़ा पोस्ट है एग्जीक्यूटिव ट्रिपल डायमंड। सोचिए, तो ये चीज मैं देखता आ रहा था। कहीं मुझे डीएक्शन था, लेकिन मैं कभी इसको करने के प्रति ध्यान नहीं दिया। मेरा कभी सोच नहीं था कि मैं डीएक्शन करूंगा। मैं क्या है आप सभी दर्शकों से अनुरोध है, हमारे साथ बने रहें। अभी सौर्या जी का वॉइस नहीं आ रहा है, मैं उसको चेक कर लेता हूं एक बार। तो देखिए, सौर्या जी, मेरी मम्मी हर साल विदेश जाना,
परिवार में कोई लेकिन तो कौन बच्चा आएगा कि वो सुविधा को सौर्या छोड़ जी, के काम करे। सौर्या जी, हेलो हाँ हेलो सौर्या जी, सर, आवाज आपकी कट रही है, कुछ इंटरनेट का कुछ इश्यू है। कीजिए जान देवा सर। हाँ अभी अभी ठीक है, अभी आवाज तो आ रही है, लेकिन आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। एक बार सर उसको स्क्रीन को आप उसको रिमूव करके फिर से आप शेयर कीजिए। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सर आपका। एक बार शेयर स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप शेयर जो होता है ना वो ऑप्शन, देखिए ऊपर आ रहा होगा स्टॉप शेयर। सर 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 आवाज जा रही है। चलिए सर अब फिर से शेयर कर दीजिए। हाँ जी सर दिख रही है सर स्क्रीन। यस यस, फुल फुल स्क्रीन कर दीजिए उसको। जी सर चलिए सर। तो देखिए थोड़ा सा एक नेट इशू के कारण हम लोग का थोड़ा सा दिख नहीं रहा था। चलिए अब सभी को मेरी आवाज जा रही है सही से? तो देखिए ये मैंने घर में देख रहे थे कि मेरी मम्मी एक अच्छा प्रोग्रेस कर रही थी और मेरा पूरा परिवार एक अच्छे से चल रहा था। मुझे ऑप्शन भी मिला था मेरा पढ़ाई खत्म होने के बाद कि हम दिल्ली में या मुंबई में या बेंगलोर में कहीं भी जाकर एक अच्छे नौकरी के पढ़ाई कर सकते हैं एक अच्छा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे घर वाले भी चाहते थे कि हम रिएक्शन करें और इसी में मेरी मम्मी का एक बहुत बड़ा रोल था मेरे रिएक्शन आने में। क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि आज कई यंग लोग रिएक्शन तो कर रहे हैं और मैंने सही में मैंने देख रहा था कुंदन सर नीतीश सर अविनाश सर सभी लोग यंग लोग रिएक्शन तो करके एक अच्छा इनकम कमा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और लॉकडाउन में मैंने रिएक्शन तो सीखना शुरू किया। पहले सबसे पहले मैंने सीखना शुरू किया क्योंकि रिएक्शन में सीखना बहुत जरूरी है। डेली हम लोग का आरबीसी चैनल पे मीटिंग हुआ करता था जूम मीटिंग हुआ करता था। मैंने पहले सीखना शुरू किया और मेरे प्रोडक्ट की नॉलेज तो मुझे बहुत ज्यादा थी। प्रोडक्ट के बारे में मैं बहुत ज्यादा जानता था लेकिन बिजनेस किसी को बताने नहीं आता था रिएक्शन बताने नहीं आता था। तो देखिए इसी में कहा जाता है विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकने के लिए संकल्प एक ही रखना है मंजिल तक जाने के लिए। मुझे भी बहुत ऑप्शन मिला मेरे घर परिवार में बहुत सारे लोग कहे कि हम ये नौकरी में जाएं ये करें वो करें बैंक में जाए इधर जाए आर्मी में जाए पुलिस में जाए। लेकिन जब मैंने ठान लिया कि मुझे रिएक्शन करना है और मैंने रिएक्शन करना शुरू किया अब मैंने आज रिएक्शन में भी बहुत कुछ अचीव किया आपको मैं आगे बताऊंगा। तो इसीलिए कहा जाता है हार की वजह बाहर की चुनौतियां नहीं आत्मविश्वास में कमी होती है। आज यही कारण था कि मुझे आत्मविश्वास नहीं था पहले रिएक्शन में कर सकूंगा लेकिन जब मैंने सीखा और मुझे खुद पे भरोसा हो गया कि नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ मैं लोगों को बता सकता हूँ और मैंने बताना शुरू किया। शुरू में बहुत मुश्किलें आई आप लोग भी रिएक्शन कई लोग करते होंगे तो कई लोग को बहुत तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा मुझे भी पड़ा था लेकिन मैंने हार नहीं माना मैंने सीनियर की बातों को माना सीनियर के बताए रास्ते पे चला। जहां दिक्कत आती थी सीनियर का सपोर्ट लेता था। और धीरे धीरे क्या होगा कि जब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जब आसपास का माहौल आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है तब खुद को उस माहौल से दूर कर लेना चाहिए। मेरे घर परिवार वाले मुझे
बोलते थे कि बीएसएन बेकार है, आपकी मम्मी पापा कर रहे हैं, तुम बहुत पुराने समय से कर रहे हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम मत करो, इसमें फ्यूचर नहीं है, ये हाँ बहुत रखा। मैंने परिवार के यहाँ जाना ही बंद कर दिया, मैंने परिवार से बात ही करना बंद कर दिया, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ कि 10 साल में डीएक्शन में मेरे परिवार ने क्या अचीव किया। कोई और डीएक्शन के बारे में जानता नहीं है, तो क्या मैं उनकी बात मानू या अपने मम्मी पापा की बात मानू? मैंने अपने परिवार के यहाँ जाना ही बंद कर दिया। जो दोस्त मेरे कहता था कि नहीं ये तो फालतू काम है, हमसे नहीं होगा, ये सब बात जोड़ने जानने वाला काम है, मैंने दोस्त से बात करना बंद कर दिया। बात जो लोग मुझे डिएक्शन करने से रोक रहा था, मैंने उनसे समझिए उनसे थोड़ा सा दूरी बना लिया, और यही कारण है कि जीवन की असली खुशी उसी काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते, मुझे भी कहते थे तुम नहीं कर पाओगे, और मैंने करके दिखाया। और आज मेरे परिवार वाले, जब मैं मलेशिया गया था तो मेरे परिवार वाले भी चौंक गए, ये इतना कम उम्र का लड़का, हम बता दें अपने परिवार में मुझे लगता है मैं सबसे कम उम्र का लड़का हूं जो विदेश गया। सोचिए, मेरे परिवार वाले जब देखे तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि मैं विदेश गया। मेरे मम्मी पापा तो हंस जाते थे, लेकिन मैं गया, ये चीज मेरे परिवार में, मेरे दोस्त यार को किसी को विश्वास नहीं हुआ। आज धीरे धीरे क्या हुआ कि मलेशिया से आने के बाद मेरे परिवार वाले, मेरे दोस्त यार भी डिएक्शन को समझना शुरू किए। तो यही चीज मैं बताना चाहूंगा कि देखिए धीरे धीरे डीएक्शन में मैं काम करते गया, जुनून से काम किया, क्योंकि डीएक्शन में जिद, जोर, जुनून होना बहुत जरूरी है। अगर ये तीनों चीज अगर आपके अंदर है तो डीएक्शन में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और देखिए ये चीज मेरे था, और मैंने डीएक्शन को करना शुरू किया। धीरे 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 मुझे फैक्ट्री घूमने का मौका मिला। आप लोग देख रहे हैं डीएक्शन फैक्ट्री सिद्धिपीठ, जो डीएक्शन का इंडिया में सबसे बड़ा फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री भी मुझे जाने का मौका मिला, विजिट करने का मौका मिला, मैंने इस फैक्ट्री को देखा। देखिए यह फैक्ट्री में कितनी बड़ी फैक्ट्री है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने इस फैक्ट्री को घूमने में बोला जाए तो दिन भर का समय लगा। मैंने यह देखा कि जलवर्मा कैसे उगाया जाता है, मैंने देखा है स्पिरुलिना कैसे उगाया जाता है, मैंने देखा नोनी जूस का पौधा कैसा होता है, मैंने प्रोडक्ट बनते देखा, चाय, पेय, साबुन। सोचिए मैं जो प्रोडक्ट यूज कर रहा था 10 साल से, मैंने उस चीज को बनते हुए नहीं देखा, लेकिन डीएक्शन में काम करना शुरू किया तो मुझे फैक्ट्री जाने का मौका मिला, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैंने फैक्ट्री गया हैदराबाद में, और वहां फैक्ट्री विजिट करने का मौका मिला। धीरे धीरे देखिए हम लोग बहुत सारे लोग थे, फैक्ट्री विजिट कर रहे थे, बहुत अच्छे से फैक्ट्री को घुमाया गया, फैक्ट्री के बारे में जानकारी दिया गया। तो ये सब देख के मेरा जो मेरे अंदर डिएक्शन करने की इच्छा बढ़ी कि नहीं डिएक्शन अच्छी चीज है, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, अगर इतना बड़ा फैक्ट्री कंपनी लगाया है तो करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया है, तो ये भागने वाली कंपनी नहीं है। धीरे धीरे और कंपनी पर विश्वास हो गया और मैं और जी जुनून से काम करना शुरू किया। उसके बाद देखिए मेरा सपना था कि मैं आईफोन खरीदूं। आज बहुत लोग यंग लोग मीटिंग को सुन रहे होंगे, और यंग लोगों का भी सपना होता है कि हम लोग भी एक आईफोन रखे। मैंने आईफोन भी खरीदा जिसका कीमत 65,000 था। एक टाइम था कि जो मम्मी से 10,000 15,000 का मोबाइल लेने के लिए सोच हाँ ठीक दिखा दे रहा था। तभी तो आप तीन दिख रही है। मेरी आवाज जा रही है हाँ दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है। ये ना? चलिए तो देखिए एनसीसी स्क्रीन आपका एनसीसी वाला दिख रहा है। वाला दिख रहा है। हाँ सॉरी सर, मैंने शेयर किया था। आप फिर से रीशेयर कीजिए और स्क्रीन शेयर में लगाइए। एनसीसी वाला अभी दिख रहा है आपका, आप दिख रहे हैं सर? सिर्फ आपका जो है ना वो आप स्लाइड शेयर कीजिए तब होगा, उसको कीजिए फुल स्क्रीन पे। सर आप दिख रही है सर? नहीं सॉरी सर, थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है। मैं बता रहा हूं आप क्या कीजिए। सबसे पहले आप जाइए, ठीक है, आपने कंप्यूटर पे जा करके उसको कट कर दीजिए, उसको हटा दीजिए, है ना। जी सर, मैं
करो सर। उसको हटा के और फिर से ओपन कीजिए। जी सर। चलिए सर ट्राई कर रहा हूँ सर। कीजिए कीजिए कोई आवाज फोन नहीं। दिख रही है सभी को? चलिए हाँ आप कीजिए उसको ऑन। शेयर कीजिए स्क्रीन शेयर। जी सर कर रहा हूँ। हाँ दिख रही है सर। देखिए हाँ अभी आपका हाँ सिद्धिपेट दिख रहा है। मैंने फैक्ट्री भी विजिट किया जो कि हैदराबाद सिद्धिपीठ में जो फैक्ट्री है डीएक्सएम की, वो फैक्ट्री भी मैं गया। देखिए फैक्ट्री में आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी फैक्ट्री है, कैसा माहौल है वहां। मुझे बहुत कुछ देखने को सीखने को मिला। ये फैक्ट्री का देख रहे हैं कितनी बड़ी फैक्ट्री है, लगभग 100 एकड़ से प्लस में ये फैक्ट्री बनी हुई है। और मैंने पहली बार लाइफ में इतनी बड़ी फैक्ट्री देखी और इतना बेहतरीन अनुभव हुआ कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और वहां से आने के बाद मैंने और एक जिद के साथ, जोश के साथ काम करना शुरू किया और मैंने अपने सपनों का एक फोन आईफोन भी लिया। आप लोग देख रहे हैं iPhone 14 जो कि मैंने 65,000 का खरीदा। तो देखिए एक टाइम था कि मुझे घर से 10-15 हज़ार का फोन भी मिलना मुश्किल था, लेकिन अपने से मेहनत करके एक अच्छा इनकम को कमाकर मैंने iPhone 14 भी खरीदा। और यहाँ तक कि नहीं, जो जो मेरा ड्रीम था, मैंने डीएक्सएम को चुना ही इसलिए था कि मैं अपने सपने को पूरा कर सकूं। और यहाँ तक कि नहीं, मुझे मौका मिल गया, मलेशिया का आया था, आप लोग देख रहे हैं मलेशिया 39 मलेशिया कॉन्टेस्ट आया था और मुझे एक मौका मिल गया मलेशिया जाने का। जब ये चीज मैंने देखा, जब ये शुरुआत हुई थी फरवरी से, तो मैं बता नहीं सकता हूं मैं कितना खुश हुआ। क्योंकि मैं एक आपके साथ एक कहानी शेयर करूंगा कि मेरी मम्मी पापा अक्सर विदेश जाया करती थी, हर साल विदेश जाया करती थी। बस 2-3 साल लॉकडाउन में छूट गया, हर साल विदेश जाती थी। तो अपनी मम्मी से मैं चर्चा करता था कि मम्मी आप लोग हर साल विदेश जाते हैं, मुझे साथ में क्यों नहीं ले जाते हैं? कंपनी अपने अपने बच्चे को साथ में ले जाने का मौका नहीं देती है। तो मम्मी कही थी कि नहीं, कंपनी का ऐसा कोई रूल नहीं है, अगर कोई विदेश जाएगा तो हस्बैंड वाइफ ही जा सकता है। मुझे बड़ा दुख होता था कि मेरी मम्मी पापा हर साल विदेश जाती थी। आप लोग जो है कोई बच्चे होंगे तो आप लोग को भी लगता होगा कि जब कोई घूमने जाता है तो हम भी काश गए होते हैं। लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे एक चीज कहा था कि तुम डीएक्सएम को करना शुरू करो, तुम भी विदेश जाओगे। और सही में जब मैंने डीएक्सएम को करना शुरू किया, धीरे धीरे मुझे ये मलेशिया कॉन्टेस्ट आया और मैंने जीत और मेहनत करके इस कॉन्टेस्ट को अचीव किया। और मैंने 15 अक्टूबर को मलेशिया में 13वीं एनिवर्सरी भी मनाया। आप लोग देख सकते हैं ये मेरा मलेशिया का कुछ फोटो है, क्योंकि समय कम है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी आप लोग को दिखा रहा हूँ कि जब मैं मलेशिया गया तो देखिए मलेशिया में मुझे, मैंने सिर्फ टीवी में देखा करता था ये सब क्विंस टावर या केल टावर, लेकिन मलेशिया में मुझे यहाँ घूमने का मौका मिला। और यहाँ मैंने पहली बार फ्लाइट से मना, ये फॉरेन टूर इंटरनेशनल फ्लाइट में पहली बार देखा, और मलेशिया जाकर मुझे ये सब घूमने का देखने का मौका मिला। क्योंकि डीएक्सन में मुझे घूमना बड़ा अच्छा लगता है। मैं डीएक्सन में आने से पहले भी मैं लगभग इंडिया में 15 से ज्यादा स्टेट घूम चुका था। आज कहा जाए मैंने इंडिया में लगभग 20 से ज्यादा स्टेट घूम चुका हूँ। मुझे घूमना बड़ा अच्छा लगता था। आज मुझे मलेशिया का कॉन्टेस्ट मिला, मैंने अचीव किया। और ये देखिए देखे थे, मैंने हैदराबाद का फैक्ट्री में आप लोग को दिखाया, सिर्फ हैदराबाद की नहीं, मैंने मलेशिया की भी फैक्ट्री घूमी घूमा और देखा कि देखिए मलेशिया का फैक्ट्री, पहले मैं इसको फाइल में या फोटो में देखा करता था, लेकिन यहाँ जाने के बाद सही में जो अनुभव हुआ वो बयान नहीं कर सकता हूँ मैं। और मैंने ये फैक्ट्री में देखिए गेंडोडर्मा कैसे लाया जाता है, आप लोग देख रहे हैं, ये डीएक्सएम का सबसे पुराना फैक्ट्री जो कि मलेशिया में है और सबसे बड़ी फैक्ट्री थी, लेकिन अब तो इंडिया में हो चुका है। तो देखिए ये फैक्ट्री में मैंने गेरोडर्मा को कैसे उगाया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है, वो सब कुछ देखा। आज मैं अपने फील्ड में लोगों को दिखाता हूँ, मीटिंग में दिखाता हूँ, इसी का बना हुआ प्रोडक्ट हम लोग खाते हैं। आप लोग भी देख सकते हैं इस चीज को। फिर देखिए
मुझे बीएसएम का न्यू हेडक्वार्टर में जाने का मौका मिला, और आप लोग देख सकते हैं हेडक्वार्टर कितना बड़ा था। वहां मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, कितना खुशी का माहौल था कि मैं वहाँ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। वहां पर कई देश से लोग आए हुए थे, सब अपने अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और मैंने भी अपना इंडिया को रिप्रेजेंट किया। वो जो खुशी मिली थी वो मैं बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता हूँ। और आप लोग फोटो में देखकर समझ नहीं सकते मैं कितना खुश था। ये अलग अलग देश से आए हुए लोगों से मिलने का मौका मिला। इंग्लिश थोड़ा बहुत आती थी तो थोड़ा बहुत मैं बात कर लेता था, तो बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस था मेरा, सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस। अगर घूमने का कहा जाए तो मेरा ये मलेशिया ट्रिप था सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस। और ये 2 साल के बीएसएम की जर्नी का जो एक्सपीरियंस कहा जाए हम बता नहीं सकते हैं। और हम सभी से ये कोशिश करेंगे कि आप लोग भी बीएसएम को समझिए और लगन से कीजिए, आप भी ये चीज, ये माहौल, ये मजा आप भी ले सकते हैं। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, आप सभी के लिए था। आप लोग देखिए आगे, वहां पर देखिए अलग अलग देश से लोग आए हुए थे, सभी से साथ बात करने का, फोटो खिंचाने का मौका मिला। देखिए वहां पर डीएक्सएल, मतलब वहां पर लगभग 80 से ज्यादा देश के लोग मौजूद थे। आज डीएक्सएल 200 देशों में चल रहा है, और मैंने उस चीज को वहां देखा कि हर देश से लोग वहां आए हुए थे, मौजूद थे। आप लोग भी देख सकते हैं, चाहे वह हिंदू मुस्लिम सिख, सभी लोग वहां मौजूद थे। और साथ ही साथ देखिए हमारे डीएक्सएल के फाउंडर, इनको भी मैं नमन करूंगा, इनको भी, इनसे भी रूबरू होने का मौका मिला। और आरबीसी फाउंडर रत्ना मैम और वसुपाल सर, इनके साथ भी फोटो खिंचाने का, इनसे बात करने का मौका मिला। ये खुशी का पल मेरे लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। और मैं अपने टीम में सभी को बताता हूँ कि आप लोग भी मेहनत कीजिए। देखिए मैं अपनी मम्मी पापा को कहता था कि मुझे भी साथ में ले जाइए, वो पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन मैं डिएक्शन करना शुरू किया और उनकी बात मानना शुरू किया। देखिए उनके साथ मुझे विदेश घूमने का मौका मिला। तो ये चीज आप लोग भी कर सकते हैं। मैं अपना जर्नी आपको शेयर कर रहा हूँ कि देखिए 2 साल में पहले का जर्नी, पहले का लाइफ स्टाइल, मेरी पहले की फैमिली कैसे हम लोग जिंदगी जी रहे थे। मुझे लगता है वो जी नहीं रहे थे, काट रहे थे जिंदगी, तो हम ही जी रहे हैं मेरे दोस्तों, असली जिंदगी जी रहे हैं ये। देखिए अपन मेरा नेक्स्ट टारगेट है फ्लाई टू थाईलैंड। आपको सही में बताऊं, मेरा एक सपना था कि मैं भी थाईलैंड जाऊं। हर ये लोगों का सपना होता है कि थाईलैंड जाऊं, मेरा भी सपना था। आज कंपनी पता नहीं मेरी बात को सुन लिए और एक थाईलैंड ट्रिप का ऑफर निकाले। अब मुझे खुद पे भरोसा है, खुद पे विश्वास है कि मैं ये थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाई करूंगा। और अगली बार थाईलैंड, इस साल 2024 में थाईलैंड की यात्रा करूंगा। बताइए इतने ज्यादा खुशी की बात, मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं ये क्वालिफाई कर सकता हूँ। और देखिए मेरा 2024 में एक और ड्रीम है कि मैं एक अपना ड्रीम बाइक खरीदूं। आप लोग भी देख रहे हैं ये ड्रीम बाइक, ये मेरा, देखिए इसमें मैंने डेट भी दिया है, 31 मार्च 2024 मेरा 31 मार्च को जन्मदिन है। और इसी दिन मैं ठान चुका हूँ कि मैं अपना अच्छा एक सपनों का बाइक खरीदूंगा। आप लोग अगली बार की मीटिंग में मैं दिखाऊंगा अपने बाइक को। तो देखिए कैसे मुझे डिएक्शन में सपने पूरे करने की ताकत मिली, कैसे एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीने का मौका मिला। आज देखिए 22 साल का उम्र का एक लड़का आज आप लोगों के बीच में मार्गदर्शन कर रहा है, आप लोगों को डिएक्शन के प्रति जानकारी दे रहा है। आज मेरे लिए ये अचीवमेंट से कम नहीं है कि मुझे आज मैनेजमेंट के द्वारा मीटिंग देने का मौका मिला। मेरे लिए ये भी एक अचीवमेंट है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अपने जर्नी के बारे में अच्छे से जानकारी देने का, ताकि जो भी यंग लोग मेरी मीटिंग को सुन रहे हैं वो भी अपने सपने पूरे करें। तो देखिए, और देखिए इसीलिए कहा जाता है जो हाथ से काम करते हैं उसका पेट भरता है, जो बुद्धि से काम करते हैं उनकी तिजोरी। और ये चीज हमारे साथ हुआ। पहले मेरे पापा हाथ से काम करते थे, खटते थे, मेहनत करते थे, सिर्फ पेट चलता था। लेकिन थोड़ा सा डिएक्शन में दिमाग लगाए, थोड़ा सा बुद्धि लगाए, और आज देखिए आज हम लोग तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। आज हमारे घर में कोई चीज की कमी नहीं है। जो एक टाइम था कि हम लोग एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए सोचते थे, और आज एक टाइम है कि आज मेरी बहन दिल्ली में पढ़ाई कर रही है। सोचिए जब हम अपनी बहन को दिल्ली में भेज सकते हैं, मेरे मम्मी पापा भेज सकते हैं, तो सोच लीजिए मुझे कहाँ कहाँ भेज सकते थे।
ये चीज हमें मिलता है, ये ताकत हमें डीएक्शन देता है, और ये सिर्फ हमें नहीं आप सबको भी मिलता है। बस थोड़ा सा दिमाग तो लगाने की जरूरत है। डीएक्शन को पहले सीखना जरूरी है। डीएक्शन को सीखिए, डीएक्शन प्रोडक्ट का जानकारी लीजिए, प्रोडक्ट को इस्तेमाल कीजिए। जब आप देखिए हम लोग 10 साल से प्रोडक्ट को खा रहे हैं, हर एक प्रोडक्ट का नॉलेज है। आज हमारे पास नॉलेज है, वही नॉलेज को शेयर करने का काम करते हैं, और डीएक्शन में क्या है, एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है परिश्रम करने की उम्र में, यदि आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में परिश्रम करनी पड़ेगी। और ये सही बात है। आज मैं देखता हूँ मेरे बहुत सारे दोस्त जो दिन भर रील्स चलाते रहते हैं, मम्मी पापा को कह दिए कि हम जा रहे हैं हजारीबाग रांची पटना पढ़ाई करने। अब पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो तो मैं जानता ही नहीं। तो ये देखिए यही कहा जाता है, इसीलिए मैं कम उम्र से ही, जब से मुझे ज्ञान हुआ, मैंने डीएक्शन को एकदम जी तोड़ मेहनत करके करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा सपना है जल्द से जल्द मिलेनियर बनने का। और सिर्फ मिलेनियर तक ही नहीं रुकना है, मेरा सपना है करोड़ अम्बेसडर बनने का। क्योंकि एक बात मुझे अक्सर याद आती है कि एक सर कहा करते थे, आप लोग भी शायद उनका वो करोड़ अम्बेसडर है, सबसे युवा करोड़ अम्बेसडर है, आप लोग उनको जानते होंगे। वो कहा करते थे कि दाढ़ी आने से पहले गाड़ी, और किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बन जाओ, तभी जिंदगी का असली मजा है। और मैंने वो चीज कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है, अभी तक मेरा अच्छे से दाढ़ी तो आया नहीं, लेकिन उम्मीद है 1 साल 2 साल के अंदर गाड़ी भी आ जाएगा, और करोड़पति तो बनना जब ठान लिया हो, जब मेहनत कर रहा हूँ। क्योंकि मैं कोई भी काम करता था अच्छे से करता था, जब मैं कराटे भी खेलता था तो नेशनल लेवल तक खेला, इसमें इंटरनेशनल खेलने का मौका मिला। जब मैं एनसीसी करता था तो अच्छे से करता था, एनसीसी में भी मेरे जो सीनियर में रहा करते थे मेरा बहुत तारीफ किया करते थे, फिटनेस मेरा बड़ा अच्छा था। तो इसीलिए मैं जब डीएक्शन भी कर रहा हूँ तो डीएक्शन में भी मेरा टारगेट है कि मैं इसमें एक अच्छा रोल मॉडल बनूँ, एक उदाहरण बनूँ यंग के लिए, युवा के लिए। और इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, इंतजार मत करो, सही समय कभी नहीं आता, अभी शुरुआत से यही सही समय है। आज का मीटिंग अगर आप लोग देखे होंगे, अगर आपको सोचना नहीं है कि कब शुरू करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, नहीं, सही समय कभी नहीं आता। मुझे लगता है कि ये 22 जनवरी जो कल कल का दिन हम लोगों के लिए कितना बेहतरीन दिन था, हम लोगों का सभी, मैंने राम जी से प्रार्थना किया कि डीएक्शन के हर एक मेंबर अपनी जिंदगी को बदले, मेरे हर एक टीम में लोग करोड़ अम्बेसडर बने। अब मुझे इसीलिए आप लोग भी बस सही समय का इंतजार नहीं कीजिए, बस शुरू कर दीजिए डीएक्शन करना। जहां दिक्कत आती है सीनियर का गाइडलाइन लीजिए, एक चीज समझ लीजिए, जब आपको लोग नहीं बोलने लगे तब समझ जाइएगा कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। मुझे भी कितने लोगों ने नो बोला, लेकिन मैं उन पर ध्यान नहीं देता था, बस मेरा टारगेट रहता था लोगों को डीएक्शन बताना है, लोगों को डीएक्शन के बारे में जागरूक करना है, चाहे वो करे या ना करे। अब मैंने करना शुरू किया और आज आपके बीच में बोलने का मौका मिल रहा है, आपके बीच में दिखाने का मौका मिल रहा है अपनी जर्नी को। कल को हो सकता है मुझे फिर से मौका मिले अलग टॉपिक के साथ, मैं फिर से तैयार रहूंगा आप लोगों को सिखाने के लिए। तो देखिए, थैंक यू, आप लोग मेरी मीटिंग को सभी लोग ध्यान से सुने, और उम्मीद है कि आज के मीटिंग से आप लोग अपनी जिंदगी को बदलिएगा, और अपने जीवन में आप लोग देखते हैं अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए कीजिए। मेरे मम्मी पापा डिएक्शन अपने लिए नहीं कर रहे हैं, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इसका डिएक्शन का असली फायदा आप नहीं आपके बच्चे उठाएंगे। इसलिए भाइयों, देर मत कीजिए, एकदम लग जाइए, मेहनत कीजिए, सभी लोग मेहनत कीजिए, और हमारे बीच जाने साथ सर जैसे मैनेजमेंट है जो हमें बीच बीच में गाइडलाइन गाइड करते रहते हैं। तो चलिए, आप लोगों के बीच में इन्हीं बातों के साथ आज की मीटिंग को हम अपनी बातों को यहीं पर समाप्त करेंगे। चलिए, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू माइक सर। थैंक यू सौर्या जी, और थैंक यू सर। हम अपने दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आप लोग हमारे साथ बने रहे। थोड़ा सा वो इंटरनेट का इश्यू आता है और उसमें हम किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं हो सकता है, तो वहाँ पर भी आप लोगों ने अपना संयम बना करके रखा, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप देख रहे हैं सौर्या जी को,
एक युवा किस तरह से अभी आकर के और अपना करियर यहाँ पे अपना संवार रहे हैं। निश्चित रूप से अगर डीएक्सएन सिस्टम को ये फॉलो कर लेंगे तो 30 का उम्र जाते जाते ये जो है पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और पूरी तरह से जो है अपना जो लिगेसी लाइफ होता है उसको जो है उसको जीना शुरू कर देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी युवा हैं उन लोगों को ये बातें समझनी चाहिए कि डीएक्सएन का सिस्टम एक पावरफुल सिस्टम है जहां पर आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इवन आप देखिएगा अगर अपने समाज को देख रहे हैं अपने इन्वायरमेंट को देख रहे हैं तो देखिए 30 साल 32 साल की उम्र में लोग स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं और वो ऐसे स्थिति में यहाँ पर एक अच्छा सुनहरा एक अवसर है तो उस अवसर का जरूर फायदा उठाना चाहिए। और साथ में मैं आप लोग को फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि 4 बजे आवाज नहीं आ रही सर। चलिए मैं आप लोग को एक चीज और बताना चाहूंगा, मैंने बोलना भूल गया, मुझे लगा टाइम हो गया। एक चीज आप लोग को बताना चाहूंगा कि जब मैंने डीएक्शन को शुरू किया था तब मेरा पहला इनकम लगभग 80-82 रुपया आया था। सोचिए एक अगर यंग लड़का काम करना शुरू करे, लोगों से मिले, लोगों का इतना बात को लोग विश्वास नहीं करता था, और उस समय अगर 80 रुपया बोनस आए तो कैसा लगेगा, कितना दुख होता है लोगों को। लेकिन देखिए वही 80 रुपये आज उसको मेरे दिल से लगा के रखा। जब मैं स्टार बना तो उस समय लगभग 5,000 का बोनस आया, और जब मैं डायमंड बना तो उस समय मेरा 44,000 का बोनस आया। सोचिए एक यंग लड़का अगर 44,000 का बोनस अचीव कर सकता है एक महीने में, तो सोच लीजिए क्या आप लोग नहीं कर सकते। बस थोड़ा सा दिमाग सौर्य जी, मेरी लगाना आवाज आ है। रही है? ठीक है, चलिए गुड सौर्य मॉर्निंग। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ ओके, हाँ सर, आ थैंक गया यू अब। थैंक यू। एक्चुअली लाइट चली गई थी अभी, तो थैंक यू सो मच। 4 बजे जरूर आप लोग जुड़े हम लोगों के साथ, और जो प्रोमो थाईलैंड प्रोमो है उसको लेकर के कुछ नया अपडेट आने वाला है जो कि आईएमसी के द्वारा यहाँ पे उसको एड्रेस किया जाएगा, तो उसमें आप लोग हम लोग के साथ जुड़िए। 4 बजे आप लोगों को ग्रुप में लिंक चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर जरूर करेंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू शौर्या जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग।